क्या हाल है आप सभी के। आज वन टू वन बात होनी है, दिल से दिल तक की बात होनी है, क्योंकि कल इंडियन ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा दिन है। कल बजट डे है। अब आपके लिए स्पेशली मैंने बजट डे वाले दिन दो स्ट्रैटेजीज निकाली थी, एक निफ्टी की और एक ओवरऑल बैंक निफ्टी या सेंसेक्स या निफ्टी फिफ्टी, जिसमें भी आप ट्राई करना चाह रहे हो। तो ये वीडियो पहले देख के आओ, उसके बाद बात करेंगे। आपका मेरा वादा हुआ था बजट डे की स्ट्रैटेजी मैं लेके आऊंगा और इस वीडियो में वही बात करने वाले हैं। लिख के ले लो यार, प्रॉफिट होगा आपको। ये स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। बजट डे वाले दिन सिर्फ सिंपल चीजें चलती है मार्केट के अंदर, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत खेलना। इस स्ट्रैटेजी को स्ट्रैंगल ऑप्शन स्ट्रैटेजी बोलते हैं, गूगल पे जाके इजीली आप सर्च कर सकते हो। करना क्या है, जहां मार्केट क्लोज हो रही है उसके 100-200 पॉइंट ऊपर 100-200 पॉइंट नीचे कॉल और पुट दोनों बाय करना है। ये स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा, 4 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट करे थे, 375 क्वांटिटी कॉल की उठाई, 375 क्वांटिटी पुट की उठाई थी। अब इसमें देखो आप, कॉल में मेरे को प्रॉफिट हुआ था 1.5 लाख का, और यही अगर पुट के लॉस की बात करूं 83,000 का लॉस हुआ था। इसको कुल मिला के नेट प्रॉफिट बैठा था अप्रॉक्सिमेटली 70,000, तो विच इज अप्रॉक्सिमेटली 18-20% ऑफ माय कैपिटल डिप्लॉयड। और इतना ही आप बजट डे वाले दिन एक्सपेक्ट करके चल भी सकते हो। इसको आप अप्लाई करके देखो और कमेंट में लिख देना प्रॉफिट, क्योंकि इसके बाद मैं 3 और बोनस स्ट्रेटजीज लेके आऊंगा। अगर चाहिए वीडियो तो कमेंट कर देना प्रॉफिट। फर्स्ट को आने वाला है बजट और सेकंड को होने वाली है फेड की मीटिंग। कहीं सालों में ऐसा एक इवेंट आता है, मतलब बहुत रेयर है ये, और ऑप्शन बायर के लिए गोल्ड माइन है। मैं आपको एक शॉर्ट बढ़िया परफेक्ट स्ट्रेटजी बताने वाला हूं निफ्टी की, जो आप अप्लाई करना। देखो यार, उस दिन ऑप्शन सेलिंग तो हमें करनी नहीं है, ऑप्शन बाइंग करनी है। तो स्ट्रेटजी बता रहा हूं, इससे पहले इस वीडियो को सेव करके अपने ट्रेडर दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। मान के चलते हैं 21,300 पे इस समय निफ्टी खड़ी है, तो 21,000 का पुट आपको बाय करना है और 21,800 का कॉल आपको बाय करना है। ये दोनों पेयर अप्रॉक्सिमेटली 400 रुपए के पड़ेंगे, तो इसमें टोटल आपका जो खर्चा आएगा वो 20,000 के अराउंड आएगा एक लॉट में। आराम से कैपेसिटी के हिसाब से 4-5 लॉट आप अपने खरीद लेना। मुझे लगता है आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 1 लाख लगा के 20-25,000 रुपए आराम से निकाल सकते हो उस दिन। एक बात याद रखना, ऐसे बड़े इवेंट्स वाले दिन, फेड की मीटिंग, बजट डे, ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स वाले दिन हमें ये नहीं देखना मार्केट कहां जाएगा, कहीं भी जाए फर्क नहीं पड़ता, हमें स्ट्रेटजी को सिंपल रखना है बस। अब इस वीडियो को अभी सेव कर लेना और कमेंट में लिख देना बैंक निफ्टी, जैसे निफ्टी की स्ट्रेटजी बताई, अगली वीडियो में बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। अब आपको एक सैंपल समझ आ गया होगा किस तरह हम हेजिंग करके एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं। हेजिंग का मतलब बेसिकली होता है यार, नेकेड पोजीशन लेके मत जाओ, हमें अपने पैर दो नाव में रखने हैं। कल मोमेंटम डिसाइड मत करना कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कल तो सिर्फ और सिर्फ जो स्पाइक आ रहे हैं प्रीमियम के अंदर उन पे हमें खेलना है। हो सकता है हेजिंग में मैं बोलूं भैया सी भी ले लो बी भी ले लो, फिर मार्केट पता लगा इतना गिर गया कि ऑप्शन बायर का सी में नुकसान हो गया, मान लो आपकी 90% कैपिटल सी वाले लेग में, सी की आपने जो पोजीशन उठाई उसमें चली गई। पर कोई बात नहीं यार, वो जो हमारी पी की पोजीशन है उसके ऊपर आप बैंक करो ना यार। आपको हेजिंग इसलिए बताई जा रही है क्योंकि बिगिनर ट्रेडर नेकेड पोजीशन लेने के चक्कर में बजट वाले दिन मार खा जाता है। 10,000-20,000 रुपए आप लगा रहे हो कल, वो वेस्ट ना जाए, उनको डिवाइड करो, उनको दो ट्रेड्स में डिवाइड करो, 2500-2500 ओटीएम के ऊपर खेलो, बहुत मजा आएगा कल। देखते हैं किस तरह कल एनालिसिस हम कर सकते हैं। दोस्तों एक ना बहुत बढ़िया पैटर्न, फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर एक बहुत ही बढ़िया रेंज में मार्केट एन पैटर्न का ब्रेकआउट होने वाला है, वो सारी डिटेल्स मैं बताऊंगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। आपका बस एक काम है, कमेंट कर दो बजट डे के लिए कि आप एक्साइटेड हो या नहीं हो, और लाइक कर देना इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो आज नहीं हर साल आपको काम आएगी। पिछले कुछ सालों में बजट डे वाले दिन कितना मूवमेंट आता है वो भी इस वीडियो के एंड तक मैं आपको बताऊंगा। अपने दोस्तों, अपने ट्रेडर दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करना। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चार्ट के साथ। दोस्तों चार्ट ना बहुत कुछ बोल रहा है, चार्ट एक दूसरे से बात करते हैं, ये कैंडल्स एक दूसरे से बात करेंगे, आपसे बात करते हैं ये, अगर आप इनको ध्यान से समझोगे तो। मैं थोड़ा जूम आउट करना चाहता हूं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम मैंने खोल रखा है बैंक निफ्टी का। आप बस ये पैटर्न देखो, ये रहा पोल, ये रहा फ्लैग, ये रहा फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट। फ्लैग एंड पोल की एक खास बात है, पहली बात तो फ्लैग एंड पोल बुलिश बन रहा है, ये भी मैं आपको बता दूं, फ्लैग एंड पोल बुलिश बन रहा है। पर याद रखना, मैं इकलौता नहीं हूं जो ये पैटर्न नोट कर रहा है, बहुत सारे लोग होंगे जो ये पैटर्न नोट कर रहे हैं, और बड़े प्लेयर्स बजट वाले दिन न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग होती है, बड़े प्लेयर्स यही चाहेंगे कि ये सोचे बंदा भाई ऊपर फटेगा मार्केट, हो सकता है पूरा क्रैश करके मार्केट पहले दो कैंडल ही आपको अप्रोक्सीमेटली 2000 पॉइंट का मूवमेंट नीचे दे दे। ये खास बात है एक्सपायरी की, आपको मजा आएगा देखना कल। अब फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा है निफ्टी बैंक के अंदर, ये देखो, ये रहा पोल, ये रहा फ्लैग, ये रहा पोल, ये रहा फ्लैग। अब इसका कंटिन्यूशन अगर होता है तो मैं बोलूंगा कि मार्केट इस रेंज को, इस वाली रेंज को, ये रेंज आपको दिख रही होगी,
इस रेंज को हल्का सा मार्केट अगर बीट कर पाता है, थोड़ी सी रेंज को मार्केट अगर बीट करेगा, इस रेंज को अगर बीट करेगा तब मार्केट एक ऊपर की साइड फट सकता है अगर ये अपना डे हाई क्रॉस करेगा। नेक्स्ट टारगेट रहने वाला 46,578। और आपको भी पता है आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो यार अराउंड ना एक बड़ा PSY लेवल ही कोई बड़ी बड़ी एक्सपायरी खत्म होती है। आज की एक्सपायरी कहां खत्म हुई? 46,000 पे, अप्रोक्सीमेटली 46,000 की बहुत बड़ा PSY लेवल है। ऊपर के लेवल पे टारगेट क्या है? 46,578। अगर ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न कंटिन्यू रहता है, मतलब कंसोलिडेट किया, इसको ब्रेक करा, फिर ऊपर आया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर इसको ब्रेक करा, ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न अगर कंटिन्यू रहता है तो ऊपर के लेवल पे टारगेट 47,200 और एक बहुत बड़ा टारगेट हमें यहां पर कल देखने को मिल सकता है 47,600। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है ऊपर की साइड पे, क्योंकि 2%, 3%, 4%, 5% मार्केट को घूमना एक दिन के अंदर बजट वाले दिन बड़ा मामूली से बात होती है। आप देखोगे एक न्यूज आई, मार्केट ने दबा के ग्रीन कैंडल बना दी, एक न्यूज आई, मार्केट ने दबा के रेड कैंडल बना दी, तो ऐसा कल होने वाला है। नीचे के एंड पे 44,500 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, इस सपोर्ट को अगर ब्रीच करता है तो यार वन आवर टाइम फ्रेम आप लगाना, नीचे के लेवल और बनने शुरू हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट लेवल आएगा 43,800, फिर नेक्स्ट लेवल आएगा 43,250। नीचे के लेवल्स पे इतना ज्यादा अभी बैंक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 2000 पॉइंट की मूवमेंट ये दिख रहा है, ऑलरेडी 2000 पॉइंट की मूवमेंट, 2200 की पॉइंट की मूवमेंट अभी नीचे पेंडिंग है। अगर नीचे फटता तो इजीली 44,500 में एक सपोर्ट ले सकता है। ये लेवल समझ आ गया, इनका स्क्रीनशॉट लिख के एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ये मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर जुड़ जाना, चैनल का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में डाल दिया। आगे बात करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वो मैं कर देता हूं। अगर आप मात्र एक ट्रेडिंग अकाउंट में, आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, मात्र एक ट्रेडिंग अकाउंट से आप ट्रेडिंग कर रहे हो, कल हो सकता है वो ब्लॉकेज हो जाए उसकी, क्योंकि आपको पता है आजकल क्या हो रहा है ब्रोकरेज अकाउंट्स में, डीमैट अकाउंट्स में, आपको पता क्या हो रहा है, आपका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे। जिस दिन मूवमेंट आ रही होती है उस दिन ऑप्शन बायर कमा ही नहीं पाता, क्यों भाई? टेक्निकल ग्लिच आ गया। अब स्टॉक्स में हुआ, ग्रो में हुआ, कई सारे नाम है यार, मैं नाम नहीं बोलना चाहता, बट मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप धन के अकाउंट में हो, धन मोस्ट रिकमेंडेड, मोस्ट ट्रस्टेड है, धन का अकाउंट आप खोल सकते हो मेरे लिंक से, जिसमें आपको प्रीमियम फीचर्स भी मिलते हैं। कमेंट सेक्शन में उसका लिंक मैं डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। धन का अकाउंट, फायर्स का अकाउंट, एंजल वन ब्रोकिंग का अकाउंट, पेटीएम मनी का अकाउंट, 3-4 अकाउंट, जीरो तक अकाउंट आपके पास होने चाहिए, ताकि कल एक अकाउंट में प्रॉब्लम आई तो दूसरे में हमें कैपिटल शिफ्ट करनी पड़ेगी। अपना कैपिटल बेसिकली दो अकाउंट्स में रखोगे तो फायदे में रहोगे। जितने बिगिनर ट्रेडर है, बहुत ज्यादा स्पाइक होगा तो यार घबरा मत जाना, ओवर एक्साइटेड नहीं होना, हमें ग्रीड को कंट्रोल करना। बजट वाले दिन ऐसा होगा कि अनएक्सपेक्टेड मूव्स आएंगे जिसमें हवस बढ़ेगी, तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो पहली बार बजट खेल रहा है, थोड़ा सा संभालो, देखो पोस्ट बजट आप ट्रेडिंग करना, फायदे में रहोगे। ठीक है जी, वापस आ जाए। अब आते हैं बैंक निफ्टी का, मैंने पूरा एनालिसिस बता दिया, अब आते हैं निफ्टी 50 के अंदर। भैया निफ्टी 50 का जो 15 मिनट टाइम फ्रेम है ना, मैंने बताया नीचे से एक बहुत ही बढ़िया ट्रेंड लाइन आ रही है और एक एन पैटर्न फॉर्म हो चुका है। इस एन पैटर्न की नेकलाइन कुछ इस प्रकार से है, जहां पे मार्केट क्लोज किया 21,800, कुछ मोटा मोटा राउंड नंबर मान लो, तो ये जो 21,800 को अगर मार्केट ब्रीच करता है, क्योंकि यार काफी कुछ टाइम से मैंने ये बात बोल रखी है पिछले मार्केट एनालिसिस वीडियो में, आप ध्यान से देखना क्या हो रहा है यहां पे, ये देखो आप ध्यान से देखना क्या हो रहा है, ये देखो आप, मार्केट यहां गया, नीचे आया, यहां आया, नीचे, 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 यहां आया, नीचे। तो ये जो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, इसको अगर ब्रीच करता है, बहुत लोगों के एसएल कटेंगे और ऊपर के लेवल पे 21,200, 21,800, 21,900 बहुत बड़े बड़े लेवल्स पे मार्केट फिर ऑल टाइम हाई तोड़ना शुरू करेगा। देखो यार कल बजट वाले दिन अगर सब पॉजिटिव न्यूज रही ना, तो मुझे लगता है कल ऑल टाइम हाई टूटेगा निफ्टी 50 का। लेट्स सी कल क्या होगा। नीचे के लेवल पे 21,100 एक बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। ये लेवल्स एक बार आप नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है। मैंने आपको बताया एन पैटर्न बन रहा है, दोबारा बता रहा हूं, ये रहा एन पैटर्न। एन पैटर्न के ब्रेकआउट पे बहुत बड़े एसएल कटेंगे और 22,000 फिर हमारा 22,100 नेक्स्ट टारगेट हमारा होने वाला है। इस ट्रेंड लाइन, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगी तब तक मैं बेरिश नहीं रहूंगा मार्केट के अंदर। मैं एक्सपेक्ट करूंगा एटलीस्ट ये ट्रेंड लाइन टूटे तो 21,100 हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। उसके नीचे अगर जाएंगे तो डे वाइज टाइम फ्रेम पे हम यहां पे टारगेट लगा सकते हैं नीचे का 20,800, फिर हम नीचे के लेवल्स पे देखेंगे। बट कल एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट एक अच्छा ऑल टाइम हाई बना के, भले ही फिर दोबारा कंसोलिडेट करके नीचे गिरे, बट एक बार ऑल टाइम हाई बनाने जरूर जाएगा मार्केट। ठीक है जी, आई एम श्योर मार्केट एनालिसिस वीडियो आपको समझ आई होगी। जो भी जिसके भी डाउट्स हैं यार कमेंट करके जरूर बताना। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, कल बजट है, कल दिवाली है हर एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए। छोटा सा ट्रेड करना, बट ट्रेड करना जरूर, एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि कल आप डर गए ना, जो डर गया वो मर गया, मार्केट का ये सिंपल सा उसूल है। ठीक है जी,
जल्दी मिलते हैं दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट।